गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौड़ असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी अभी तक हम विचलनशीलता की बात कर रहे हैं विचलन की बात कर रहे हैं और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने विचलनशीलता के दो माप के बारे में जान चुके हैं पहला प्रसार या रेंज और दूसरा क्वाड्राइल डेविएशन या चतुर्थक विचलन आज हम जो बात करेंगे विचलनशीलता के तीसरे माप की जिसका नाम है औसत विचलन या जिसे एवरेज डेविएशन भी कहते हैं ए या इसे हम माध्य विचलन या मीन डेविएशन भी बोल सकते हैं एम अर्थात ए और एम दोनों एक ही हैं अब ये औसत विचलन क्या होता है तो देखिए किसी भी वितरण या प्रतिदर्श के माध्य से व्यक्तिगत प्राप्त अंकों के विचलनों के औसत को औसत विचलन कहते हैं अर्थात अगर आपके पास माध्य विचलन आपको ज्ञात करना है तो आप सबसे पहले दिए गए डेटा पे मीन निकालेंगे फिर आपके प्रत्येक प्राप्तांक का उस मीन से माध्य से जो विचलन है उसका औसत निकालेंगे तो वह माध्य विचलन या औसत विचलन कहलाएगा रेबर और रेबर ने भी इसकी परिभाषा दी है औसत विचलन का तात्पर्य प्रत्येक प्राप्तांक तथा माध्य के बीच अंतरों के अंक गणितीय माध्य से होता है वही जो परिभाषा है उसी को इन्होंने थोड़ा सा रिफाइंड किया है और इसी को हम सूत्र के रूप में आप कैसे व्यक्त करते हैं वह बताना चाहें तो देखिए इसकी स्टैटिस्टिकल परिभाषा किस तरीके से होगी कि किसी भी वितरण के माध्य से प्रत्येक अंक के विचलन के योगफल को प्राप्त अंकों की कुल संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे औसत या माध्य विचलन कहते हैं और यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात रहती है वो ये कि विचलन आपने जितने भी निकाले हैं चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए इसमें हम हमेशा चिन्हों की अपेक्षा करते हैं उपेक्षा अर्थात हम जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव उसको ध्यान नहीं देते बल्कि सारे ही विचलनों को जोड़ लेते हैं और फिर उसमें एन का भाग दे देते हैं और उससे जो मूल्य प्राप्त होता है उसे हम औसत या माध्य विचलन कहते हैं क्लार्क ने भी इसकी परिभाषा दी है जो आप पढ़ लीजिए औसत विचलन का अर्थ है किसी वितरण में माध्य या माध्यिका से प्राप्त अंकों के विचलनों के औसत परिणाम से है जिसमें विचलनों के चिन्हों की उपेक्षा की जाती है जो अभी मैंने आपको बताया आगे हम जब इसका एक उदाहरण लेंगे उसमें यह और क्लियर हो जाएगा कि चिन्हों की उपेक्षा किस तरीके से की जाती है अब हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें औसत विचलन की तो पहली विशेषता है औसत विचलन का संबंध माध्य से प्रत्येक प्राप्तांक के विचलन के औसत से है औसत विचलन माध्य माध्यिका तथा बहुलक तीनों से निकाला जा सकता है अब देखिए इससे पहले जब हमने चतुर्थक विचलन की बात की थी तो वहाँ आपको उसकी विशेषता में बताया था कि चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के लिए माध्यिका जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उसका उपयोग किया जाता है लेकिन औसत विचलन के लिए हम माध्य माध्यिका बहुलक तीनों का उपयोग कर सकते हैं हालांकि क्योंकि बहुलक जैसा कहा गया इसकी कोई दृढ़ परिभाषा संभव नहीं है और बहुलक इतना फेमस आपका आ, 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 आ अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति का स्रोत नहीं माना जाता अतः माध्य बहुलक को छोड़कर माध्यम माध्यिका के आधार पर हम लोग औसत विचलन का परिकलन कर सकते हैं इसकी दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है माध्य से प्रत्येक प्राप्तांक के विचलन को निर्धारित कर लेने के बाद औसत निकालने के लिए सभी विचलनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और जोड़ते समय विचलन के चिन्हों पर विचार नहीं किया जाता फिर से मैं आपको बता रही हूँ अभी आप उदाहरण में देखेंगे कि किस तरीके से हम माध्य से विचलन पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा लेकिन हम चिन्हों को ध्यान में ना रखते हुए सभी विचलनों को जोड़ लेंगे और उन्हें जोड़कर उसमें एन का भाग दे देंगे तो हम औसत विचलन ज्ञात कर पाएंगे तो ये आप आगे एग्जाम्पल से और क्लियर समझ सकते हो जो विशेषता है वो यही है कि यहाँ पर हम विचलन के चिन्हों को ध्यान में नहीं रखते बिना उनके जोड़ लिया जाता है अब आप देखिए औसत विचलन का परिकलन या इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी सबसे पहले इसका सूत्र दिया हुआ है एक सेकंड। देखिए ये यहाँ आपको इसका सूत्र दिख रहा है ए डी या एमडी कुछ भी लिख लें इज इक्वल्स टू सिग्मा बार एक्स ये जो दो लाइनें हैं स्मॉल एक्स के दोनों तरफ जो दो लाइनें हैं इसे हम बार बोलते हैं और सिग्मा आगे लगा दिया सिग्मा इस जो है वो योग का निशान है और जो ये स्मॉल एक्स है ये विचलन का निशान है इसके दोनों तरफ बार लगाने का तात्पर्य ये है कि इसमें हम सिग्मा एक्स करेंगे यानी कि जोड़ेंगे बार का मतलब है हम चिन्हों को अवॉइड करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव अपॉन एन तो ये आपके ए का फॉर्मूला है देखिए इसमें इनके मीनिंग हम एक बार पढ़ लें ए डी यानी औसत विचलन एक्स यहाँ पे ये स्मॉल एक्स है एक आप पढ़ चुके हैं कैपिटल एक्स जिसको कि एक आप पढ़ते हैं कैपिटल एक्स जो कि होता है प्राप्तांक का चिन्ह सदैव आपका प्राप्तांक का चिन्ह है वो एक्स होता है जो कि जनरली हम मिड पॉइंट से निकालते हैं यानी मिड पॉइंट और एक्स सेम होता है और एक है आपके पास स्मॉल एक्स जो कि विचलन कहलाता है विचलन यानी विचलन किससे? मीन से तो आप मीन माइनस एक्स सॉरी आप जब अभी आगे देखेंगे हम इसको बताते हैं आगे एक्स माइनस मीन जब आप करेंगे एक्स माइनस मीन जो है यानी एक्स आपका स्कोर माइनस मीन जब आप करेंगे उसमें मद यानी कि आप पता लगा रहे हैं मीन से जो आपके स्कोर है, वो हैं वो कितने विचलित हैं कितना विचलन है उनमें उसको हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्मॉल एक्स एक छोटा एक्स है जिसका अर्थ है वास्तविक माध्य से प्रत्येक प्राप्तांक का विचलन या अंतर और देखिए बार यहाँ पे दो दंड दिखाए गए हैं इसका अर्थ है यहाँ विचलनों को जोड़ते समय पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाएगा जो मैंने बार बोला आपको और सिग्मा का अर्थ है योग का चिन्ह तो इस तरीके से और देखिए यहाँ पे छोटा एक्स निकालने का सूत्र भी आपको दे रखा है ये देखिए जो तो मैंने बताया स्मॉल एस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एम एक्स कैपिटल एक्स प्राप्त अंक है और एम आपका स्कोर है अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना चाहेंगे सपोज आपको यहाँ हम अनग्रुप्ड uh, डेटा uh, या हम असमूहित uh, समूह uh, 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 ले रहे हैं जिसमें क्लास इंटरवल नहीं है सिर्फ आपको प्लेन डेटा दे रखा है तो उसका आप एडी कैसे निकालेंगे ये जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है ये देखिए सिर्फ आपको प्लेन डेटा दे दिया है यानी कि सिर्फ आपको स्कोर्स दे दिए हैं कोई क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसे हम असमूहित असमूहित आंकड़े बोलेंगे असमूहित आंकड़ों पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसका ए डी कैसे निकाला जाएगा तो आप देखिए इसको हम आगे लेते हैं ये इस तरीके से आपको ये जो आंकड़े दे रखे हैं उसको आप सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन में ले लेंगे ये देखिए सारे प्राप्त अंकों को एक स्ट्रेट लाइन में ले लिया गया है स्कोर्स को और इसके आधार पे आपने स्कोर का सिग्मा एक्स यानी कैपिटल सबसे पहले क्योंकि आपको मीन निकालना है मीन का फॉर्मूला आप पीछे पढ़कर आए हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन तो सबसे पहले जो आपको एक्स दे रखा है उसका आप योग कर लेंगे जिसे हम सिग्मा एक्स बोलते हैं यानी सभी को जोड़ लेंगे यहाँ ये यह आपका एक सौ सत्तर आ रहा है यानी सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड सेवेंटी और क्योंकि एन आप काउंट कर लेंगे एक एक स्कोर कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन यानी कि एन आपके पास है टेन अब आप सिग्मा एक्स अपॉन एन करेंगे तो एक सौ सत्तर डिवाइडेड बाई टेन तो ये आपके पास सत्रह आंसर आ गया ये क्या है आपका मीन है और जैसा मैंने बताया आपको मीन निकालने के बाद आपको विचलन निकालना है यानी कि आपके ये जो स्कोर हैं इन सब में से आप मीन को माइनस कर देंगे ये देखिए ये जो आपके स्कोर हैं इस सब में से आपका मीन कितना आ रहा है सेवनटीन यानी सब में से आप मीन माइनस करते चले जाएंगे ये हर अंक में से आप करेंगे क्योंकि यहाँ मैं उंगली से लिख रही हूँ तो थोड़ा आ, ये सही नहीं आ रहा इसको आप समझ सकते हैं ये देखिए यहाँ फॉर्मूला दे रखा है एक्स माइनस मीन तो ये एक्स आपके पास है इसमें से आप माइनस मीन कर देंगे सॉरी तो ये इस तरीके से सभी में से जब मीन माइनस करेंगे तो जैसे दस में से आपने सत्रह माइनस किया तो माइनस का सेवन बचेगा पंद्रह में से आपने सत्रह माइनस किया माइनस टू बचेगा पच्चीस में से सत्रह माइनस किया तो एट बचेगा पॉजिटिव इस तरीके से आपके पास ये विचलन आ जाएंगे और अब आप इन विचलनों का भी सबका योग कर लेंगे यानी कि सिग्मा स्मॉल एक्स जो भी आपके स्मॉल एक्स आपका विचलन है इस विचलन को सभी विचलनों को आप योग कर लेंगे योग करने पर आपके पास फोर्टी टू आया और अब आप देखिए योग कैसे किया गया है यहाँ पे प्लस माइनस सभी को जो मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी फिर से मैं आपको बता रही हूँ ये देखिए कभी भी जब हम मीन डेविएशन करते हैं तो आपको फार्मूला ये बता रखा है ये फार्मूला है एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन का सिग्मा बार एक्स यानी कि आप जब इसको सिग्मा एक्स करेंगे तो यहाँ ये माइनस प्लस का निशान नहीं रखेंगे इसका ध्यान नहीं रखेंगे जनरली हम क्या करते हैं कि माइनस के सारे स्कोर्स को एक साथ जोड़ते हैं माइनस के सभी स्कोर्स को एक साथ जोड़ते हैं और प्लस के सभी स्कोर्स को ये माइनस के सभी स्कोर्स को एक साथ जोड़ते हैं और प्लस के स्कोर्स को एक साथ जोड़ के दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है आपको यहाँ पे आपको जैसा बताया कि आपको चिन्हों का अवहेलना करनी है उपेक्षा करनी है अर्थात आप यहाँ पर सभी दिए गए जो अंक हैं यानी कि जो भी आपका स्मॉल एक्स आ रहा है उन सभी को आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आप देखिए फिर सेवन प्लस टू कितना हो गया नाइन नाइन प्लस एट सेवनटीन सेवनटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री प्लस टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस फोर ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन प्लस टू सॉरी एक सेकेंड इसको आप काउंट करिए फिर से देखिए नीचे से अपन काउंट करते हैं पाँच और छः आपके हो गए एलेवन एलेवन प्लस टू थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटी सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू तो ये आपके पास देखिए आप इन सबको प्लस करेंगे तो नेचुरल है आपके पास जो संख्या आएगी वो फोर्टी टू आ जाएगी और क्योंकि हमने यहाँ प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा है यदि हम ध्यान रखते तो हम माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या को या प्लस में से माइनस को घटाते ऐसा हम नहीं करेंगे यहाँ पे हम बिना उनका ध्यान रखे सभी को जोड़ लेंगे जोड़ने के बाद आप इस सूत्र में इनका मान रख देंगे यानी कि हमारे पास जो इसका सूत्र था ए डी इज इक्वल्स टू सिग्मा बार स्मॉल एक्स अपॉन एन इसमें आप बार एक्स हमारे पास आया है फोर्टी टू और एन आपको पता है हमारे पास टेन है जब इसका आप डिवाइड करेंगे तो ये फोर पॉइंट टू आपका आंसर आ जाएगा तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस तरीके से आप एक असमूहित या अनग्रुप्ड जो डेटा है उसके ऊपर मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं आई थिंक आपको समझ आ गया होगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वापस मैं एक बार इसको समराइज़ कर दूं आपके लिए कि सबसे पहले आपको जो भी अनग्रुप्ड डेटा में स्कोर्स दिए उन स्कोर्स को आप एक लाइन में ले लेंगे यानी कि आप एक तरीके से उनको अरेंज कर लेंगे और उसके बाद आप उसमें पहले मीन ज्ञात करेंगे जिसका फार्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन है जब मीन निकल आएगा तो आप सारे स्कोर्स में से मीन को माइनस कर देंगे तो आपके पास विचलन निकल आएगा इस विचलन को आप सिग्मा एक्स को बिना पॉजिटिव uh, नेगेटिव के uh, चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को प्लस कर लेंगे और उसके बाद जो आपका सूत्र है ए uh, डी का उसमें सूत्र में मान रखते हुए आप ए डी ज्ञात कर लेंगे तो इस तरीके से ये बहुत ही छोटे uh, जो uh, दो या तीन नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर अनग्रुप्ड डेटा का आता है इसके बाद हम ग्रुप्ड डेटा पे मीन डेविएशन निकालना सीखेंगे जिसकी दो विधियां हैं दीर्घ विधि और लघु विधि उन दोनों के आधार पे ही हम ग्रुप्ड uh, डेटा पे निकालना सीखेंगे जो कि एक बड़ा क्वेश्चन आता है इस पर हमेशा आपके छोटा क्वेश्चन ही आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आते हैं वो तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप्ड डेटा पर मीन निक, डेविएशन निकालना सीखेंगे